दोस्तों, जैसा कि हमें IMPS करते समय ये एरर देखने को मिलता था, फिंगरप्रिंट ऑफ द CSP ID इज नॉट अवेलेबल इन द डेटाबेस, प्लीज कॉन्टैक्ट विथ योर BC एंड अरेंज टू कैप्चर द फिंगरप्रिंट्स। उसका समाधान बैंक के द्वारा अभी कर दिया गया है। अगर आपके साथ अभी भी ये समस्या आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी CSP रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।